अगर आपकी उम्र 17 से 24 साल के बीच में है तो आपको अपने पेरेंट्स से एक ताने जरूर सुनने को मिलता होगा, पर ले वरना आने वाले समय में कोई भीख भी नहीं देगा। आप अपने पेरेंट्स के इस बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। आप कभी इस बात पर ध्यान देते ही नहीं क्योंकि आपको उनकी ये बातें बकवास लगती हैं। आपको लगता है ऐसा समय कभी नहीं आने वाला कि भीख भी ना मिले, और अगर आपको लगता है कि ऐसा समय कभी नहीं आएगा तो हम आपसे सिर्फ यही कहेंगे कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के खत्म होने के साथ ही आपकी ये सोच भी आज और अभी खत्म होने वाली है। तो हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे इस चैनल फैक्टर क्लब पे बहुत बहुत स्वागत है, और आज हम बात करने वाले हैं कुछ लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, हम जब भी भविष्य के बारे में सोचते हैं कि आज से 50-60 साल बाद हमारे ये संसार कैसा दिखेगा, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले जिस चीज की तस्वीरें आती हैं वो है ड्राइवरलेस कार, उड़ती हुई कारें और ऐसे ही बहुत सारे फ्यूचर टेक्नोलॉजी। हमारी सोच यही आकर रुक जाती है क्योंकि इसके आगे हमने सोचने की कभी कोशिश ही नहीं की, और कोशिश इसलिए नहीं की क्योंकि हमें लगता है यही तो डेवलपमेंट है। लेकिन क्या आप जानते इस डेवलपमेंट के वजह से कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज खत्म हो जाएंगी? इनफैक्ट खत्म हो भी रही हैं, वो भी बहुत ही तेजी से। आप खुद देखिए, कल तक जिस समाचार को पढ़ने के लिए आप उस इंसान पर निर्भर थे जो आपको न्यूज़पेपर पहुंचाता था, आज आप उसका इंतजार नहीं करते हैं क्योंकि आपके पास आज स्मार्टफोन नाम की एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके मदद से आप जब चाहे जहां चाहे वहां न्यूज पढ़ सकते हैं। यहां आपने खुद को डेवलप किया और आपके इस डेवलपमेंट की वजह से उस पेपर बांटने वाले का एक ग्राहक कम हो गया, और इसका सीधा असर पड़ेगा उसके मंथली इनकम पे। आपके जैसे न जाने कितने ही लोगों ने पेपर के जगह स्मार्टफोन को चुन लिया है। आज के समय में शायद ही किसी के घर पेपर आता होगा, और जिनके घर आता भी होगा तो सिर्फ इस कारण से कि उनके घर अभी भी पुराने लोग यानी कि बाबा दादा जिंदा होंगे। यही नहीं, स्मार्टफोन आने से पहले हम अपने स्टाइलिश पिक्चर खिंचवाने के लिए स्टूडियो में जाते थे, लेकिन जब से स्मार्टफोन आया है शायद ही कोई स्टूडियो जाता होगा। कल तक जो संदेश आप चिट्ठी के माध्यम से भेजते थे जिसे पहुंचने में भी 5 से 6 दिन का वक्त लग जाता था, आज वो संदेश आप अपने स्मार्टफोन के द्वारा ही भेज देते हैं और वो विद इन मिनट दूसरे व्यक्ति तक पहुंच भी जाता है, किसी पोस्टमैन की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप खुद देखिए सिर्फ एक स्मार्टफोन की वजह से कितनी नौकरियां खत्म हो गईं। ये तो मैंने आपको एक बहुत ही छोटा सा उदाहरण दिया जहां मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि कैसे सिर्फ एक 6 इंच यानी कि आपके हथेली जितनी बड़ी टेक्नोलॉजी ने कितनी नौकरियां और धंधों के दरवाजे को बंद कर दिया है हमेशा के लिए। अब अगर आप सोच रहे हैं कि कोई बात नहीं प्राइवेट नौकरी कर लेंगे, तो जरा ये देखिए, कल तक जो काम इंसान कर रहे थे वो काम आज ये रोबोट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसी सेक्टर में रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है, सभी सेक्टर में इनका इस्तेमाल किया जा रहा है और इनकी संख्या भी बढ़ाई जा रही है। और आपको बता दे ये भी एक डेवलपमेंट ही है, और इस डेवलपमेंट की वजह से आप देखिए कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज खत्म हो गई। अब जरा आप सोचिए कि आपके पास अब कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज बच गई। अगर आप सोच रहे हैं IAS IPS CEO मैनेजर इन सब जॉब्स के बारे में, तो हो सकता है आप इनकी पढ़ाई और प्रिपरेशन को अफोर्ड कर पाए, सभी लोग नहीं कर सकते। और अगर मान लीजिए आपने अफोर्ड कर भी लिया, आपने पूरी तैयारी कर भी ली इन जॉब्स की, तो क्या आप श्योर हैं कि आपको ही ये जॉब्स मिलेगी? क्योंकि हमारे देश में 15 से 24 साल के युवाओं की संख्या 60 करोड़ है। याद रखिएगा, 60 करोड़ है हमारे देश में 15 से 24 साल के युवाओं की संख्या। अब आप इन 60 करोड़ में से 50% को अलग कर दीजिए, वो अपना खुद का बिजनेस करेंगे, कुछ भी करेंगे। बाकी के 50% यानी कि जो 30 करोड़ युवा है, वो तो आपके साथ कंपटीशन में भाग ले रहे हैं, और ये संख्या हर बीतते समय के साथ बढ़ते ही जाएगा, और हर बीतते समय के साथ आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी खत्म होती जाएंगी। एक तरफ आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज अभी खत्म हो रही है, वहीं दूसरी तरफ पॉपुलेशन, महंगाई और बीमारी दिन दोगुनी रात चौगुनी के हिसाब से बढ़ रही है। और आप यकीन मानिए, आने वाले कुछ ही सालों में सिर्फ उंगलियों पे गिनने लायक ही जॉब बच जाएंगे, और वो ऐसा समय होगा जहां सच में आपको भीख भी नहीं मिलेगी, क्योंकि उस समय ज्यादातर लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं होंगे। और इस समय सिर्फ दो ही लोग आराम से रह पाएंगे, पहला जिसके पास ढेर सारे पैसे हो, और दूसरा जो शारीरिक तौर पर मजबूत हो ताकि वो पैसे वालों के काम आ सके। खैर, ये तो थी मेरी अपनी सोच, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको लगता है कि सिचुएशन इससे थोड़ी अलग होगी तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ में अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले अपडेट्स और वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस टाइम अहेड।